चले स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है अल्टरनेट टाइप के। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट अल्टरनेटिव को हमको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ साइन 5 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 5 अल्फा प्लस 2 कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा इज। देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं इसी एक्सप्रेशन को ले लेता हूं। पहले साइन 5 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 5 अल्फा प्लस 2 कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा। अब देखो इसको, न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं और डिनोमिनेटर में ये कॉस 5 अल्फा और ये कॉस 3 अल्फा, दोनों को दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें और इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं और ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का लगा देते हैं। तो विच इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 2 कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पे 5 अल्फा प्लस डी के प्लेस पे 3 अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा अपॉन 2। डिनोमिनेटर में यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d, c के प्लेस पे 5 अल्फा प्लस d के प्लेस पे 3 अल्फा अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा अपॉन 2, और ये वाली टर्म को एज इट इज लिख लो, प्लस 2 cos 4 अल्फा, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 8 अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 अल्फा इंटू साइन 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा, 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अपॉन 2 cos 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 8 अल्फा अपॉन 2 तो ये 4 अल्फा इंटू cos 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 cos 4 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 cos 4 अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन, यहां से 2 cos 4 अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, 2 cos 4 अल्फा कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा cos अल्फा और प्लस 1, ये 2 cos 4 अल्फा और ये 2 cos 4 अल्फा कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला लगा देते हैं और यहाँ पर cos ए का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला 1 को कैंसिल करने वाला लगा देते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू 2 sin a अपॉन 2 इंटू cos a अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 sin अल्फा अपॉन 2 इंटू cos अल्फा अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos अल्फा का 1 को कैंसिल करने वाला 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 और ये प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू क्या बचा, 2 sin अल्फा अपॉन 2 इंटू cos अल्फा अपॉन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसल्ड, ये cos अल्फा अपॉन 2 से ये स्क्वायर कैंसिल कर दो, अब न्यूमरेटर में बचा sin अल्फा अपॉन 2, डिनोमिनेटर में cos अल्फा अपॉन 2, कैन बी रिटर्न tan अल्फा अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन 2, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी tan अल्फा अपॉन 2 इज करेक्ट, तो देयरफॉर ऑप्शन सी tan अल्फा अपॉन 2 इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34, साइन 5x अपॉन साइन x इज इक्वल टू, साइन 5x अपॉन साइन x की वैल्यू कौन सी होगी, सारे जो ऑप्शन है वो कॉस के टर्म में है तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन 5x अपॉन साइन x, साइन 5x कैन बी रिटर्न साइन 3x प्लस 2x, साइन 3x प्लस 2x अपॉन साइन x। अब न्यूमरेटर में साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी या फॉर्मूला अपने पास में साइन a cos b प्लस cos a sin b, a के प्लेस पे 3x, b के प्लेस पे 2x, तो विच इज इक्वल टू साइन 3x इंटू cos 2x प्लस cos 3x इंटू साइन 2x अपॉन साइन x को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ साइन 3a का, यहाँ cos 2a का, यहाँ cos 3a का और यहाँ sin 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये sin x इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो विच इज इक्वल टू साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू cos 2x का 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस, यहां पर cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूबिक x माइनस 3 cos x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x अपॉन साइन x। ये एक साइन x से ये वाला साइन x तो कैंसिल कर लो, इस ब्रैकेट से साइन x कॉमन निकाल लेते तो ये वाला साइन x कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन x कॉमन निकाले यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर x बचेगा, एक साइन x आपने कॉमन निकाल ली इंटू 2 कॉस स्क्वेयर x माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस, ये 2 कॉस x बचा है तो सामने लिख लेते हैं 2 कॉस x इंटू 4 कॉस क्यूबिक x माइनस 3 कॉस x, ऐसा हो गया। ये साइन x से साइन x को कैंसिल कर लो, अब देखें यहां पर ये साइन स्क्वेयर x है, ये कॉस स्क्वेयर, बाकी सब कॉस में है और अपने को कॉस में ऑप्शंस गिवन है, तो मैं ये साइन स्क्वेयर x को कॉस स्क्वेयर x में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो विच इज इक्वल टू ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर x कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x इंटू 2 कॉस स्क्वेयर x माइनस 1 प्लस, ये वाला ब्रैकेट खोल देते हैं 2 4 जा 8 कॉस रेस टू द पावर 4x हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 कॉस x इंटू कॉस x कॉस स्क्वेयर x, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू ये 3 4 माइनस 4 का इंटू करेंगे माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वेयर x इंटू 2 कॉस स्क्वेयर x माइनस 1 प्लस 8 कॉस रेस टू द पावर 4x माइनस 6 कॉस स्क्वेयर x, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 कॉस स्क्वेयर x इंटू 2 कॉस स्क्वेयर x माइनस 1 प्लस 8 कॉस रेस टू द पावर 4x माइनस 6 कॉस स्क्वेयर x, ऐसा आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट को भी खोल दो, तो विच इज इक्वल टू माइनस 1 का इंटू करेंगे तो माइनस 2 कॉस स्क्वेयर x माइनस 1 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 1, 4 कॉस स्क्वेयर x का करेंगे तो 4 टू जा 8 कॉस रेस टू द पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वेयर x और प्लस 8 कॉस रेस टू द पावर 4x माइनस 6 कॉस स्क्वेयर x। अब जो प्लस माइनस हो रहा है उसको प्लस माइनस कर देते हैं विच इज इक्वल टू सबसे बड़ी पावर देखो 4 पावर 8 कॉस रेस टू 4
प्लस 8 कॉस रेस टू 4, तो ये 16 कॉस रेस टू 4 हो जाएगा, 16 कॉस रेस टू द पावर 4x। उसके बाद स्क्वेयर वाली टर्म देखो, ये माइनस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स और ये माइनस 4 कॉस स्क्वेयर एक्स और ये माइनस 6 कॉस स्क्वेयर, तीनों माइनस वाली प्लस कर देते हैं और माइनस का साइन, 2 और 4 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, माइनस 12 कॉस स्क्वेयर एक्स, और क्या बचा, एक लास्ट टर्म बच गई कांस्टेंट वाली, 1 प्लस 1 बस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 16 कॉस रेस टू 4 माइनस 12 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, आप लिख सकते हैं यहां, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये लिखना जरूरी नहीं है, बस आप टिक कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट देन कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा डॉट डॉट कॉस 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू वॉट, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा डॉट डॉट कॉस 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 इंटू अल्फा। इसको अपन फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस अल्फा, इसको अपन फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस 2 ए इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 क्यूब ए डॉट डॉट कॉस 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, साइन 2 रेस टू द पावर एन ए अपॉन 2 रेस टू द पावर एन साइन ए, तो मैं इसको उसी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वेयर अल्फा डॉट डॉट कॉस 2 रेस टू द पावर एन इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला है अपना, सेंस कॉस ए इंटू कॉस 2 ए इंटू कॉस 2 स्क्वेयर ए डॉट डॉट कॉस 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू साइन 2 रेस टू द पावर एन ए अपॉन 2 रेस टू द पावर एन साइन ए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला ए के प्लेस पे अल्फा है या कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा डॉट डॉट कॉस 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू साइन 2 रेस टू द पावर एन ए के प्लेस पे अल्फा है अपॉन 2 रेस टू द पावर एन साइन ए के प्लेस पे अल्फा है बस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइन 2 रेस टू द पावर एन अल्फा अपॉन 2 रेस टू द पावर एन साइन अल्फा, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कई बार यूज भी हुआ है फॉर्मूला, ठीक है ऐसे कर लेंगे इसको आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन बी इंटू कॉस 2x प्लस ए इंटू साइन 2x इज इक्वल टू, देखिए टेन एक्स की वैल्यू गिवन है तो हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बी कॉस 2x प्लस ए साइन 2x इज इक्वल टू, अब यहां देखिए कॉस 2x का फॉर्मूला 10x के टर्म में है अपने पास में और 10x की वैल्यू गिवन है, और साइन 2x का फॉर्मूला भी 10x के टर्म में है और 10x की वैल्यू गिवन है, तो कॉस 2a और साइन 2a के फॉर्मूले से 10x की के टर्म में इसको लिख लेते हैं और उसके बाद 10x की वैल्यू a अपॉन b रख के सॉल्व कर देंगे तो कोई ऑप्शन आ जाएगा, तो b इंटू कॉस 2x 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स प्लस ए इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स है, यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स है, तो एलसीएम 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स ले लेता हूं पहले, विच इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, इससे डिवाइड करें कैंसिल होगा, 1 का इंटू कर दिया, बी का इंटू कर दो ब्रैकेट में, बी माइनस बी टेन स्क्वेयर एक्स
यहाँ पर ये इससे डिवाइड करे कैंसिल हो गया, ए का इनटू ब्रैकेट में कर दो, प्लस 2a tan x। अब tan x के टर्म में आ गया है सब, tan x की वैल्यू a अपॉन b रख दो, विच इज इक्वल टू b माइनस b इंटू टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हो जाएगी, प्लस 2a इंटू टेन एक्स की वैल्यू ए अपॉन बी। डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ये बी स्क्वेयर से ये वाले b को कैंसिल कर लो। अब एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम बी, यहाँ बी के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करें तो बी बी का इंटू बी में करेंगे तो बी स्क्वेयर माइनस, ये बी से डिवाइड करें तो कैंसिल, 1 का इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वेयर, प्लस ये बी से डिवाइड करते तो 1 का इंटू करेंगे तो 2a स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये डबल फ्रैक्शन में तो बी स्क्वेयर ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये वाले बी स्क्वेयर से ये बी को कैंसिल कर दिए और ये वाले बी को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू ये बी ऊपर चला गया और ये बी स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस का माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बचा, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कैंसल्ड, क्या बचा बी। बस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयर फोर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इफ टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/7, टेन बीटा इज इक्वल टू 1/3, देन कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, साइन 4 बीटा, साइन 3 बीटा, कॉस 2 बीटा। देखिए कॉस 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो साइन के टर्म में निकालना है, साइन बीटा के टर्म में निकालना है, 2 बीटा, 4 बीटा, 3 बीटा। तो इसके लिए पहले हम कॉस 2 अल्फा की जो वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा की वैल्यू है 1/7, तो टेन स्क्वेयर अल्फा की हो जाएगी 1/49, 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू 1/7 है तो टेन स्क्वेयर अल्फा की 1/49। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 49 ले लो, ये 49 एलसीएम, 49 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी 49 एलसीएम, ये 49 प्लस 1, ये डबल फ्रैक्शन में ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, इसको कैंसिल कर दो, विच इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48 अपॉन 49 प्लस 1 50। इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 24 टाइम और 2 से 25 टाइम, तो कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 24/25। अब देखिए जो ऑप्शन है उसमें कॉस 2 अल्फा की कोई वैल्यू ऐसी नहीं दिख रही, 24/25। अब कॉस 2 अल्फा की एक वैल्यू साइन 2 बीटा, कॉस 4 बीटा, साइन 3 बीटा, कॉस 2 बीटा। अब क्या करते हैं अपन, टेन बीटा की वैल्यू दिए तो इससे साइन 2 बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 2 बीटा की वैल्यू अगर इसके इक्वल आ गई 24/25 तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन 2 बीटा इज इक्वल टू 2 टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर बीटा। वैल्यू रख दो इसके अंदर, 2 इंटू टेन बीटा की वैल्यू है 1/3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर बीटा 1/9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 2/3 और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिए 9, ये 9 प्लस 1, ये वाला 9 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 जा 9, ये 3 को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 3 2 जा 6 अपॉन 9 1 10, तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा
साइन टू बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब देखो साइन टू बीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है और कॉस टू अल्फा की वैल्यू 24/25 आ रही, तो ये तो इक्वल है नहीं। अब साइन फोर बीटा, साइन थ्री बीटा और कॉस टू बीटा, अब अपन कॉस टू बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अपने पास में टेन बीटा की वैल्यू है, तो कॉस टू बीटा की वैल्यू अगर 24/25 की इक्वल आ गई तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये फोर और थ्री को भी चेक कर लेंगे। cos 2 beta is equal to 1 minus tan square beta upon 1 plus tan square beta, वैल्यू रख दो इसमें, which is equal to ये 1 minus tan beta की वैल्यू है 1 upon 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 upon 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 plus tan square beta 1 upon 9, न्यूमरेटर में LCM 9, ये 9 माइनस 1, डिनोमिनेटर में एलसीएम 9, ये 9 प्लस 1, डबल फ्रैक्शन, ये 9 ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कैंसिल कर दिए इसको, विच इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 और 9 प्लस 1 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कॉस 2 बीटा की वैल्यू आ गई 4/5। देखो cos 2 बीटा भी आपका 24/25 के इक्वल नहीं आता, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। अब ये दो बचे sin 4 बीटा और sin 3 बीटा, तो आप अपने पास में sin 2 बीटा की वैल्यू भी है cos 2 बीटा की, तो डायरेक्ट sin 4 बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आपकी cos 2 अल्फा की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ sin 4 बीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 बीटा इनटू cos 2 बीटा, रख दो इसमें वैल्यू, ये 2 इंटू साइन 2 बीटा की वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस 2 बीटा की वैल्यू है 4/5, ये रही 3/5 साइन 2 बीटा की और कॉस 2 बीटा की 4/5, तो सॉल्व करो 2 3 6 4 24/25। देखिए ये जो 24/25 है ये कॉस 2 अल्फा की वैल्यू है, तो साइन 4 बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, साइन 4 बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, मतलब कॉस 2 अल्फा की जो वैल्यू है साइन 4 बीटा के इक्वल, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टेक करेंगे, थोड़े से हायर ऑर्डर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आल्सो, 38 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर का। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी अपने पास में है, सेंस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे यहाँ। अब देखिए ए के प्लेस पे 48 और बी के प्लेस पे 12 है, so which is equal to cos a plus b, 48 degree plus 12 degree into cos a minus b, 48 degree minus 12 degree, which is equal to cos 48 degree plus 12 degree 50 plus 10 60 degree into cos 48 degree minus 12 degree 8 minus 2 6 4 minus 1 3 36 degree, which is equal to cos 60 degree की value अपने पास में 1 upon 2 और cos 36 degree की value हमारे पास, since cos 36 degree is equal to root 5 plus 1 upon 4, ये वैल्यू है cos 36 degree की root 5 plus 1 upon 4, इसको यहाँ रख देते हैं cos 36 के प्लेस पे, तो ये root 5 plus 1 upon 4, which is equal to root 5 plus 1 upon 4 to the 8,
which option is correct? Root 5 plus 1 upon 8. Option A is correct. Therefore, option A is correct. So, this chapter has completely done. इस चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बैक टू बैक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताया आपको इजीएस्ट मेथड से और सारे फॉर्मूले भी प्रूव करके बताए. इसके जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना और फिर उनको अप्लाई करके क्वेश्चन करना है. हर लेवल का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए और कोशिश किए कि बेहतर से बेहतर तरीके से उसको सॉल्व किया जाए और इजीएस्ट वे का यूज किए हमने. अगर आप लोगों ने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड पुट वन कमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो न्यू चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू क्लास. ओके, बाय.